आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जहन में ये गीत आते ही न सिर्फ वो सुरीले संगीत का दौर याद आ जाता है, बल्कि उस रोमांटिक फिल्म की वो इमोशनल कहानी भी ताजा हो उठती है और साथ ही याद आ जाते हैं इस फिल्म से जुड़े वो चेहरे जिन्हें दर्शक आज भी उतनी ही शिद्दत से याद करते हैं। वर्ष 2000 के पहले दशक में प्रदर्शित नदीम श्रवण के संगीत से सजी म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म तुमसे अच्छा कौन है के एक्टर्स ने दर्शकों के दिलों में अपनी एक गहरी छाप छोड़ दी थी। बावजूद इसके वो एक्टर्स ज्यादा कामयाब नहीं हो सके। फिल्म की दोनों नायिकाएं आरती छाबड़िया और किम शर्मा तो बाद में कई फिल्मों में भी नजर आईं, पर बदकिस्मती से उनकी ज्यादातर फिल्में न चल पाने से उनका करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन नायक नकुल कपूर आज कहां और किस हाल में है, आखिर क्यों नहीं किसी और फिल्म में वो दिखाई पड़े? इस फिल्म के अलावा उन्होंने और क्या क्या काम किए? ऐसे ही कई सवाल जो उनके चाहने वालों के दिलों में हैं, उन्हीं का जवाब है आज का हमारा ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजुला और आपका स्वागत है हमारे आज की वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं नायक नकुल कपूर के बारे में, जो वर्ष 2002 में प्रदर्शित फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से मशहूर होने के बावजूद लाइमलाइट से अचानक ही दूर हो गए। एक नायक और दो नायिकाओं के बीच उलझी प्रेम कहानी पर आधारित इस फिल्म के निर्माता थे टिप्स कंपनी के रमेश तौरानी जी और निर्देशक थे दीपक आनंद जी। इस फिल्म में नकुल कपूर के साथ मुख्य भूमिकाओं में नजर आई थी आरती छाबड़िया और किम शर्मा। साथ ही इस फिल्म में ढेरों जाने पहचाने चेहरों के अलावा जानी मानी अभिनेत्री रति अग्निहोत्री जी भी नजर आई थी। दोस्तों, फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से पहले अभिनेत्री आरती छाबड़िया गायक सुखविंदर के सुपरहिट गीत नशा ही नशा में नजर आ चुकी थी, जो की एक प्राइवेट एल्बम था, और अभिनेत्री किम शर्मा भी सुपरहिट फिल्म मोहब्बतें से अपनी एक पहचान बना चुकी थी। दिल्ली के 12 खंबा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल से शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने से लेकर मुंबई का सफर तय करने वाले इस फिल्म के नायक नकुल कपूर भी इस फिल्म से पहले कुछ एल्बम्स और विज्ञापनों में काम कर चुके थे। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत एक म्यूजिकल एल्बम हो गई है मोहब्बत से की थी। 1988 में प्रदर्शित हुए इस खूबसूरत एल्बम में उनके साथ पॉप सिंगर और एक्ट्रेस शिवानी कश्यप ने काम किया था। इसके अलावा नकुल कुछ और एल्बम में भी नजर आए, जिनमें से वर्ष 2001 में प्रदर्शित नुसरत फतेह अली खान जी के संगीत से सजे एक गीत आजा मेरे यार प्रमुख हैं। इन एल्बम्स के अलावा नकुल उस दौर के कुछ विज्ञापनों में भी नजर आए, जिनमें सबसे चर्चित रहा उनके द्वारा किया गया थम्सअप का विज्ञापन, जिसमें स्पेशल इफेक्ट की मदद से किया गया उनका एक्शन रोंगटे खड़े कर देता है। दोस्तों, नकुल के आकर्षक व्यक्तित्व और ताजगी से भरे चेहरे को लोगों ने उनके पहले एल्बम से ही पसंद कर लिया था, और फिल्म तुमसे अच्छा कौन है के प्रदर्शन के बाद तो उनके चाहने वालों की तादाद और भी ज्यादा बढ़ गई। नदीम श्रवण के कर्णप्रिय संगीत से सजी ये फिल्म जब प्रदर्शित हुई तो न सिर्फ उनका संगीत बल्कि इसकी कहानी और इसके कलाकारों को भी लोगों ने खूब पसंद किया, जिनमें से सबसे ज्यादा नकुल ही थे। दोस्तों, ढेरों ऐसी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन जब वही फिल्में टेलीविजन और इंटरनेट पर रिलीज की गई तो दर्शकों ने उन्हें बार बार देखा। फिल्म तुमसे अच्छा कौन है भी उन्हीं फिल्मों में से ही एक है। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर तो औसत रूप से ही सफल हुई, लेकिन इसका संगीत फिल्म के रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट हो चुका था, और जब यही फिल्म छोटे पर्दे पर आई तो दर्शकों ने इस फिल्म के साथ साथ नकुल को भी हाथों हाथ ले लिया। बावजूद इसके इस फिल्म के बाद उन्हें फिल्मों के कुछ खास ऑफर नहीं मिले, और जो मिले उन्हें नकुल ने खुद स्वीकार नहीं किया। मन चाह काम न मिलने और फिल्मी दुनिया की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी से धीरे धीरे उनका मन उचट गया और वो मुंबई छोड़ कनाडा शिफ्ट हो गए। फिर भी अभिनय से उनका मुंह अभी भी कुछ बाकी था। वर्ष 2005 में उन्होंने एक कैनेडियन टीवी सीरीज टर्मिनल सिटी में काम किया, लेकिन ढेरों विदेशी कलाकारों के बीच नकुल को इस टीवी सीरीज से कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। वर्ष 2006 में नकुल एक बार फिर गायक शंकर शाहने के पंजाबी एल्बम यारी यारी में अभिनेत्री दीप्ति भटनागर के साथ नजर आए। ये एल्बम भी बहुत पॉपुलर नहीं हो सका। दरअसल ये वो दौर था जब हर रोज नए नए पंजाबी पॉप सिंगर्स अपने प्राइवेट एल्बम्स के साथ आ रहे थे और दर्शक
भी धीरे धीरे ऐसे संगीत से उब चुके थे। ऐसे गीतों की पॉपुलैरिटी भी कुछ समय तक ही रहती थी। नतीजा, इस एल्बम से भी नकुल के करियर को कोई फायदा नहीं मिल सका। उसके बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया से भी पूरी तरह से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। दोस्तों, अभिनेता नकुल कपूर अपने फिटनेस का पूरा ख्याल रखते थे और अभिनय के अलावा उनका एक और सपना था और वो था लोगों को योग सिखाने का। नतीजा, उन्होंने अपना पूरा ध्यान लोगों को योग सिखाने में लगाना शुरू कर दिया। नकुल ने कनाडा के नॉर्थ वैंक्यूवर में ही खुद का डिवाइन लाइट नाम से एक योगा इंस्टीट्यूट शुरू किया, जो काफी कामयाब हुआ। इधर बॉलीवुड से उनके अचानक गायब होने और उनके बारे में कोई खबर न मिलने से भारत में उनके फैंस ने उन्हें इंटरनेट पर खोजना शुरू कर दिया, क्योंकि कई बार कुछ झूठे लोगों द्वारा उनकी मौत की अफवाह तक उड़ाई गई। ऐसे में नकुल ने खुद को मीडिया के सामने आकर अपने बारे में बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और कनाडा में है। दोस्तों, नकुल आज भी पूरी तरह फिट और उतने ही कूल नजर आते हैं। हाँ, वो चॉकलेटी हीरो की जगह थोड़े मैच्योर नजर आने लगे हैं। नकुल कपूर फिलहाल कनाडा में ही एक योग इंस्ट्रक्टर के रूप में अपनी नई दुनिया में व्यस्त हैं और फिलहाल फिल्मों में उनका लौटने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि उनके फैंस आज भी उतनी ही बेताबी से उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। नारा टीवी नकुल कपूर के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी और रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।